आप इसको बता सकते कि दिस क्वेश्चन हैज बीन फ्रॉम डिस्क्रीट थ्योरी, पर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कुछ भी ऐसा यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है। बेसिकली आपको ये समझना है कि आपका जो 100 क्वेश्चन होता है किसी भी पेपर स्पेसिफिक, अगर मैं बात करूँ कॉमर्स मैनेजमेंट या इकोनॉमिक्स भी, बिकॉज ये कंप्यूटर साइंस है, तो मैं आपको बताती हूँ एग्जाम में 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप अगर नहीं भी पढ़ के गए हो, फिर भी अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे ओपन है, अगर आप ओपन माइंड से होकर अगर उस क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है, कोई भी यहाँ पे ना ट्रिक काम करेगा, नो ना ही कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करेगा। सिंपल से बात है, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स का क्वेश्चन है मतलब कि यहाँ पे इन्होंने पूछा कि 5 डिवाइड्स दिस इज एन एक्सप्रेशन व्हेनेवर एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो चलिए हमें क्या करना है, एज्यूम करना है, जैसे आप अपने स्कूल के दिनों में करते थे कि नॉन नेगेटिव नंबर का मीनिंग है कि हमने एक पॉजिटिव नंबर ले लिया, लेट्स से 0 से हमारा पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होता है। अब हमने 0 लिया तो 0 का पावर 5 और 0 क्या आ जाएगा, डेट इज 0, तो ये आपका डिविजिबल हो गया 5 से। चलो हम एक और नंबर एग्जाम में ले लेते हैं श्योर होने के लिए, तो अगेन फिर 1-1 क्या आ जाएगा, 0, ये भी आपका डिविजिबल हो गया। चलो आप 0-0 आ रहा है, आप 2 लेके देखते हैं, 3 पावर 5 - 2 क्या हो जाएगा, 32 - 2 डेट इज 30, अगेन ये डिविजिबल बाई 5 है। मतलब हमने एक सिंपल वैल्यूज एज्यूम किया और ये फाइंड आउट किया कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सिमिलरली अब आप सेकेंड क्वेश्चन को चेक कर लो, सेम स्टेटमेंट है, बस यहाँ पे क्या उन्होंने लिख दिया 6, ठीक है, तो अगेन फिर आप इसको 0 ले लो, 0 का पावर 3 - 0 क्या होगा, 0, 1 - 1 डेट इज अगेन 0, उसके बाद अगर 2 लोगे 2 to the power 3 - 2 तो ये क्या हो जाएगा, 8 - 2 अगेन 6। तो हमने फिर 2-3 वैल्यूज पुट किया और ये देखा कि हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस से UGC नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी की पहली बात है, बहुत ऐसे लर्नर्स हैं जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे, भाई टुडे इज 26, अब तो फॉर्म भर लो, आप क्या 3 मार्च का वेट कर रहे हो, 3 मार्च को हम फॉर्म भरेंगे और आधा फॉर्म फिलअप होगा, फिर सर्वर आपका लोड नहीं होगा, फिर आप फॉर्म नहीं फिलअप कर पाओगे। तो इफ़ यू हैव टू अपीयर फॉर UGC नेट May 2021, सबसे पहली बात है फॉर्म फिलअप करिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके इस तरीके के कुछ क्वेश्चन प्रेजेंस ऑफ माइंड पे भी वहाँ पे सॉल्व होते हैं, तो 10 questions, लेट मी टेल यू 10 questions कि अगर आपने बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा और वहाँ पे कुछ अपना एजम्पशन लिया, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज किया, तो आप इजिली उसमें मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, और एक एक मार्क्स बहुत ही वैल्यूबल होती है नेट क्वालिफाई करने के लिए, अदरवाइज GRF क्वालिफाई करने के लिए। इसीलिए ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़िए एंड हर एक टॉपिक को 100% टॉपिक को कवर करने की। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच।